ओके हाँ, तो ये तीन ग्लास स्लैब है, इन तीनों ग्लास स्लैब की हेल्प से लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो आपके सामने जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। यहाँ पर दो स्केल है इसका, इसको समझना है। ये है वर्टिकल स्केल और ये है हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक ना। तो हम लोग को जो रीडिंग लेना है वो इस स्केल से लेना है। अब इस वर्टिकल स्केल में भी दो रीडिंग है, ये है मेन स्केल, समझ में आ रहा है ना, टेंशन नहीं है। ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल, ठीक ना। तो इसमें रीडिंग कैसे लेना है वो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर एक क्रॉस मार्क्स बनाना है जहां पर हम लोग को माइक्रोस्कोप को फोकस करना है। तो अभी सबसे पहले फोकस करना है, फोकस करने के लिए आपको पता होगा इससे अप डाउन करते हैं, है ना। यहां से ये मूव करता है और लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। आप इससे भी करा सकते हैं, अगर ये वाला मूव करेगा तो ये स्केल काम करेगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली अगर मूव कराएंगे, थोड़ा जाम हो जाता है ये, हॉरिजॉन्टली अगर मूव कराएंगे तो ये स्केल काम करेगा और वर्टिकली मूव कराएंगे तो ये स्केल। तो अभी हम लोग को जो काम करना है वर्टिकली काम करना है, इसमें काम नहीं करना है, ठीक ना। तो यहां क्रॉस मार्क्स है उसको सबसे पहले फोकस करना है। देखो दिखाई दे रहा है, दिखाओ। फोकस हो गया है पूरी तरह से, देखो देखो देखो, आ जाओ तुम भी देख लो। अब देखो जैसे इसमें ग्लास स्लैब को रखेंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि जैसे सिक्का या फिर सिक्का पानी के अंदर रहता है तो वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, दिखता है ना। तो वैसे ही ये जो क्रॉस मार्क्स है वो भी ऊपर उठ गया होगा। तो अब उस हाइट को हमको फोकस करना है। तो उस हाइट को हम कैसे फोकस करेंगे, तो आपको सिर्फ इसको उठाना है, ठीक ना, इसको उठाना है, इसको उठा के फोकस करना है। अभी हम रीडिंग लेना नहीं बता रहे हैं, तीन काम क्या क्या करना है वो हम बता रहे हैं। पहला काम तो ये हो गया, ये फोकस, दूसरा काम ये, तीसरा ये फोकस करना है, ठीक ना। तो ये ऊपर उठ गया होगा तो इसका हाइट बढ़ गया होगा, तो अब ये फोकस हो गया है, चेक करो। दिखाई दे रहा है। और तीसरा काम करना है, यहां लाइकोपोडियम पाउडर है, इस लाइकोपोडियम पाउडर को यहां पर देकर इस हाइट को फोकस करना है, लाइकोपोडियम पाउडर पे फोकस करना है। तो इसके लिए भी उठाना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब ये फोकस हो गया, चेक करो। तीन जो स्टेप बताए तीनों में रीडिंग लेना है, ठीक ना। तो एक बार शुरू से फिर शुरू करते हैं कैसे करना था। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया था, इस क्रॉस मार्क्स को फोकस किया था, ठीक। अब ये क्रॉस मार्क्स विदाउट स्लैब फोकस है, यहां रीडिंग लेना है ना, इस स्केल से रीडिंग लेना है। तो यहां पर दो रीडिंग आपको लिखना है, ठीक ना। दो रीडिंग कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा मेन स्केल का रीडिंग और एक हो जाएगा वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो इसका जो रीडिंग का फॉर्मेट है वो है, यहां इधर दिखा, फोकस करो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है, ठीक, यहां पर लिखा हुआ भी है। तो सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेना है वो समझते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से रीडिंग कैसे लेना है ये हम जानने वाले हैं अभी। तो यहां पर दो स्केल है, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। अगर ये वाला एडजस्ट करता है तो इससे रीडिंग लेना है, अगर लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट होता है तो रीडिंग इससे लिया जाता है,
नीचे और ऊपर का दोनों का स्केल सेम है, इसको मेन स्केल कहते हैं और इसको वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल पर रीडिंग कैसे लेना है, ये तो बहुत आसान है, वर्नियर स्केल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो अभी जैसे कितना रीडिंग है वो हम समझते हैं। देखो जीरो लाइन मैच किया हुआ है, दिखाई दे रहा है, वहां पर फोकस कर दो। जीरो लाइन मैच किया हुआ है, किया हुआ है, कहां दिख रहा है? पहला लाइन, ये जो बड़ा वाला लाइन है वो है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7। तो 0.1 का वैल्यू है, ये बड़ा वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है वो 0.1 का वैल्यू है, और जो छोटा वाला लाइन है 0.05 का वैल्यू है, मतलब 6.05, 6.1, 6.15, 6.2, 6.25, ठीक ना, 6.3, 6.35, 6.4, 6.45, 6.5, 6.55, 6.6, 6.65, 6.7, 6.75, 6.8, 6.85, 6.9, 6.95, 7। तो ये अभी अगर हमको रीडिंग देखना है कि मेन स्केल पर कितना रीडिंग है, तो वर्नियर का जीरो हमको देखना है। वर्नियर का जीरो कौन से लाइन पर मैच किया है, तो ये लाइन पर मैच किया है, ये वाले लाइन पर मैच किया है, ठीक ना। तो ये कौन सा लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6.8 है मेन स्केल का रीडिंग, 6.8 है मेन स्केल का रीडिंग, 6.8। वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना होगा, तो वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन एग्जैक्टली मैच किया हुआ है मेन स्केल से, उसको देखा जाता है। तो इसमें तो अभी फिलहाल जीरो ही लाइन एग्जैक्टली मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है इस लाइन से, तो वर्नियर स्केल का रीडिंग हो जाएगा जीरो। वर्नियर स्केल का रीडिंग हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, ठीक ना। तो मेन स्केल रीडिंग आपको मेन स्केल का देखना है, जैसे 6.8 कुछ भी हो सकता है वो। वर्नियर स्केल में कौन सा लाइन मैच किया है, तो जीरो मान लिया मैच किया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना लिस्ट काउंट 0.001 से, ठीक। इसी तरह रीडिंग लेना है।